दोस्तों मैं भी ट्रास्टोलिया यूट्यूब पे बनाने जा रहा हूँ टेनिस टेनी डाइटिंग पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो। दोस्तों मैं एक बार यही बता देना चाहूंगा कि पहले वीडियो में बढ़ने से पहले कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे जाकर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर ले ताकि सारी की सारी अपडेट्स दोस्तों आप सबको मिल सके। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है मोंटे कार्लो मास्टर्स का फिनाले, उसमें जो प्लेयर्स थे, जो मैच हुआ, मैच तो इतना ज़बरदस्त नहीं हो पाया जितना सोचा गया था, बट जो प्लेयर्स थे वो काफ़ी रेड हॉट फॉर्म में थे। फोर्टिना ने नोवाक जोकोविच को हराया, डेविड गोफिन को हराया, टेलर फ्रिट्स को हराया, ग्रिगोर डिमित्रोव को हराया, तो देखा जाए काफ़ी दिग्गजों प्लेयर को हरा दिया है मोंटे कार्लो मास्टर्स में फोर्टिना ने। और दूसरी ओर सिसिपास था तो ये लकी चार्म है मोंटे कार्लो मास्टर्स, उन्होंने ज्वेरेव को, बड़े प्लेयर थे, उसको हराया जो उनके उधर रैंकिंग में पड़ रहे थे। तो देखा जाए सिसिपास के सामने फाइनल आसान नहीं था क्योंकि जो फोर्टिना थे वो रेड हॉट फॉर्म में थे और मोंटे कार्लो मास्टर्स में वो हमेशा प्रदर्शन जो करते हैं वो एकदम ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं। जैसी उम्मीद थी फोर्टिना से वैसे उन्होंने किया, बट इतना ज़्यादा वो हाइएस्ट लेवल पर नहीं कर पाए जैसा सिसिपास किया। हाइएस्ट लेवल का मतलब ये है कि वो मतलब ज़्यादा तीसरा सेट में नहीं ले पाए, इसलिए हम यही बोलेंगे कि फोर्टिना का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, नहीं रहा, हाइएस्ट लेवल पर नहीं रहा, यही कारण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पहले सेट की ओर। पहला सेट तो एकदम ज़बरदस्त हुआ सिसिपास के नज़रिए से। अब आते ही फोर्टिना ने सर्व तोड़ दिया, अब लग रहा था कि फोर्टिना कुछ ना कुछ करने वाले हैं क्योंकि फोर्टिना के पास सर्व टूट गई और वो चाहते हैं कि पहला सेट जीत जाए, बट सिसिपास ने तुरंत ब्रेक बैट किया। जैसे ही सिसिपास ने ब्रेक बैट किया उसके बाद अपनी सर्व पे होल्ड रखा और दूसरी को फोर्टिना ने भी अपनी सर्व पे होल्ड रखा, फिर सिसिपास ने अपनी सर्व पे भी होल्ड रखा, उनकी सर्व भी ब्रेक की और अपनी सर्व पे फिर से होल्ड रखा और 6-3 से पहला सेट जीता। कहाँ सिसिपास ट्रेल कर रहे थे इन द सर्विंग, बट इन द फाइनल में वो सेट फर्स्ट सेट आराम से कंफर्टेबली जीता, वो भी 6-3 गेम्स रहते पहले जीत जाए। और जैसे ही सेकंड सेट की ओर बढ़ा, सेकंड सेट की ओर आते ही सिसिपास ने सर्व भी ब्रेक कर दी 1-2 love, उसके बाद सिसिपास की सर्व फोर्टिना ने भी तोड़ दी, उसके बाद अपनी सर्व पे होल्ड रखा, लग रहा था कि मैच ये टाई ब्रेक करता जा सकता है। फिर जैसे ये सोचा जा रहा था वैसे ही सिसिपास ने जैसे ही जब 4-4 था 5 पे उनकी सर्व तोड़ दी, अब लग रहा था कि सिसिपास कंफर्टेबली जीत जाएंगे, बट फोर्टिना बोलते नहीं ऐसे नहीं जीतेंगे। फोर्टिना ने भी उनकी ब्रेक बैट तुरंत ही की सर्व, जैसे ही ब्रेक बैट तुरंत सर्व की उसके बाद 5-5 पे बराबर हो गया, 8-8 सर्व दोनों ने होल्ड रखी, 6-6 सर्व हो गई, अब जाके पहुंच गया मैच टाई ब्रेकर में। टाई ब्रेकर में मल्टीपल टाइम्स मिनी ब्रेक हासिल की स्टेफनोस सिसिपास ने और वो जीत गए टाई ब्रेकर 7-3 से। सेकंड सेट जीते 7-6, 7-3 से पहला सेट जीते 6-3 से। तो देखा जाए वो मोंटे कार्लो मास्टर्स के डिफेंडिंग चैंपियन थे और रहे। पिछले साल भी मोंटे कार्लो मास्टर्स उन्होंने ही जीता था, मोंटे कार्लो मास्टर्स ये वाला भी इस साल 2022 का भी इन्होंने ही जीता स्टेफनोस सिसिपास। देखा जाए स्टेफनोस सिसिपास को भी क्ले बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्पेन के प्लेयर मैं बोलता हूँ कि उनको क्ले का सीजन, क्ले कोर्ट बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही स्टेफनोस सिसिपास है, उनका रैकेट काफ़ी अच्छा है और वो चाहेंगे ये वाला रैकेट वो मेनटेन करें। और वो रोलैंड गैरोस थे जिसे पिछली बार फाइनल में गए थे, इस बार फिनाले में जाके ट्रॉफी हासिल करो, ग्रैंड स्लैम फाइनल जीत जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो अगले टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि अगले टूर्नामेंट में वो क्ले में ही खेलने वाले हैं, वो है बार्सिलोना ओपन, तो काफ़ी उनसे उम्मीद है कि बार्सिलोना ओपन भी जीते क्योंकि दूसरी ओर देखा जाए जो स्पेन के जो माने जाने माने क्ले कोर्ट के चैंपियन हैं राफा नदाल अभी भी इंजर्ड हैं और वो शायद रिटर्न कर पाए रोलैंड गैरोस से, पैसे कोई कन्फर्म नहीं है, बट हो भी सकता पेरिस में कन्फर्म उनका कि आ जाए या नहीं भी हो सकता है। अभी तक तो 90% चांसेस है कि नहीं आएंगे, बट चांसेस फिर भी 10% है, तो राफा नदाल के 10% चांसेस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि स्टेफनोस सिसिपास अपना ऐसा प्रदर्शन बरकरार रखे और बार्सिलोना ओपन में कुछ बढ़िया प्रदर्शन करके बताए। दोस्तों आप अपनी राय जरूर दें कि बार्सिलोना ओपन में सिसिपास कहाँ तक जाएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ढेर सारा प्यार देते रहो। धन्यवाद दोस्तों।